नमस्कार, आप देख रहे हैं E7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और बढ़ते खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। पटना में संक्रमण को लेकर प्रशासन की उड़ी नींद, लेकिन आम लोग न मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे पालन। कंटेनमेंट जोन की रफ्तार भी बढ़ रही तेजी से, पटना में इसकी कुल संख्या हुई 207। इस साल के जनवरी से लेकर मार्च तक पूरे बिहार में अगलगी की हुई छोटी बड़ी कुल 2669 घटनाएं। इनमें अलग अलग जगहों पर गई कई जाने, जिसे लेकर बिहार में अब फायर ब्रिगेड की 702 गाड़ियां ऑन रोड। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देकर लगाए गए 550 होमगार्ड जवान। भागलपुर के SM कॉलेज में इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा में कम अंक मिलने से फेल हुई छात्राएं कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कर रही है धरना प्रदर्शन। छात्राओं का आरोप, प्रैक्टिकल में पैसे पर करते हैं पास। अनशन कर रही छात्राओं से प्रिंसिपल बोले, बिहार बोर्ड ने बना दिया है दलाल। बिहार में जानलेवा हुई कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 1911 संक्रमित, तो वहीं 4 की हुई मौत। पटना में 743 नए मामले आए सामने, वहीं IIT पटना में 21 छात्र हुए कोरोना पॉजिटिव। पटना के बाद गया और भागलपुर में भी कोरोना नियंत्रण से हो रहा बाहर। राज्य में वैक्सीन का स्टॉक तेजी से हो रहा खत्म, राज्य के पास सिर्फ 5 दिन का ही वैक्सीन स्टॉक, आंध्र प्रदेश और बिहार में 2 दिन से भी कम का स्टॉक बचा। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 5 दिनों तक टीका उत्सव मनाने की अपील की थी। उनके इस बयान पर राहुल गांधी ने कसा तंज, कहा ये उत्सव का नहीं परेशानी का वक्त। MP में निजी अस्पतालों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कसी नकेल, कहा सभी नर्सिंग होम और क्लिनिक में COVID-19 के इलाज का शुल्क और बेड की संख्या अलग से लगानी होगी, मनमर्जी से नहीं बढ़ा सकेंगे चार्ज। बाढ़ के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष प्रोफेसर बिदनेश्वरी प्रसाद सिंह ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों से की अपील, कहा सरकार के जनहित में जारी दिशा निर्देशों का करें पालन, बेवजह घर से बाहर न निकले, घर से बाहर निकलते समय मास्क का जरूर करें प्रयोग। अमरोहा थाना डडोली पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ी एम्बुलेंस में लाई जा रही 100 पेटी हरियाणा मार्क शराब। वहीं 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से 1 तमंचा, 2 कारतूस, 2 चाकू और 3 एम्बुलेंस की फर्जी नंबर प्लेट हुई बरामद। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण इलाके के संत टॉकीज चौराहे के समीप मामूली कहासुनी को लेकर हुए विवाद में 18 वर्षीय युवक की पीट पीट कर दबंगों ने की हत्या। बीच चौराहे पर भरे बाजार दबंगों ने गुंडई का किया नंगा नाच, स्थानीय लोग तमाशबीन होकर देखते रहे। बर्फ तोड़ने वाले सूजे से युवक पर जानलेवा हमला करके की गई हत्या, वहीं हमलावरों की संख्या बताई जा रही 5। घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। फिरोजाबाद के टुंडला नगर में CO टुंडला देवेंद्र कुमार के निर्देशन में पुलिस टीम के साथ चलाया बिना मास्क के खिलाफ चेकिंग अभियान। राह चलते और मोटरसाइकिल पर चलते हुए बिना मास्क वालों को दी हिदायत, वहीं बिना मास्क वालों को पकड़कर काटे गए चालान। लहरपुर सीतापुर मोहल्ला अंबर सराय में बने प्राचीन श्री महावीर बाबा हनुमान मंदिर प्रांगण में श्री बालाजी का किया भव्य जागरण, जिसमें दूर दराज से आए हुए कलाकारों ने श्री बालाजी की झांकी दिखाकर लोगों का मन किया विचलित। वहीं जागरण देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ मंदिर परिसर में हुई जमा। बांदा में भोजपुरी फिल्म सबका बाप अंगूठा छाप की हो रही शूटिंग देखने के लिए दूर दराज से पहुंच रहे लोग। वहीं बांदा जिले का नाम भोजपुरी फिल्म की शूटिंग होने के बाद बना हुआ है काफी चर्चा में। बुलंदशहर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत वार्ड 27 सदस्य राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी ओमवीर सिंह ने अपने वार्ड 27 के क्षेत्रों के गांवों में माचड़, इब्राहिमपुर, डासोली, छपना, फिरोजपुर आदि में जनता से किया जनसंपर्क। जनसंपर्क के दौरान चौधरी ओमवीर सिंह का मुकुट, पगड़ी और माला पहनाकर जनता ने किया भव्य स्वागत। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में 4 साल सजा काटने के बाद चेन्नई पहुंची शशिकला, समर्थकों ने बरसाए फूल। जयललिता की करीबी रही शशिकला के स्वागत में उमड़े हजारों लोग। बता दें तमिलनाडु चुनाव से पहले शशिकला की रिहाई से बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी। कोविड पॉजिटिव आदित्य नारायण अस्पताल से लौटे घर, बोले बेहतर महसूस कर रहा हूं, लेकिन वायरस ने मेरी पत्नी को कर दिया कमजोर। बता दें आदित्य अपने घर में है क्वारंटाइन। आदित्य ने बताया मुझे कोविड पॉजिटिव हुए 18 दिन। फिलहाल फटाफट खबरों में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए E7 न्यूज के साथ। नमस्कार।